हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम रील्स के बारे में। यदि आप रील्स यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर चार बातें जानकारी होना चाहिए जो इंस्टाग्राम पे सेटिंग यदि कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं तो आपके वीडियो पे काफी अच्छे खासे लाइक्स से व्यूज आ सकते हैं। और फोर्थ नंबर का जो मैंने ट्रिक्स होता है वो आपको जानना ही जरूरी है यदि आप रील्स पे लाइक से व्यूज बढ़ाना चाहते हैं। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, वहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आखिर में आपको करना क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम सलेन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सलेन यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली गाइज आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इसके बाद आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सर्च बार का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे हम सर्च बार पे क्लिक करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपको रील्स पे जितने भी वीडियो अपलोड किया गया है यहाँ पे आपको शो कर देगा, तो सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप टिकटॉक पे वीडियो देख सकते थे उसी प्रकार यहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में मैं बात करता हूँ डाटा सेवर का। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में बात करेंगे हम वीडियो लाइक्स का। जैसे कि आप वीडियो लाइक करते हैं कैसे देख कर सकते हैं कि हमने कौन सी वीडियो को लाइक किया है। इसके बाद थर्ड नंबर में बात करेंगे यदि ये वीडियो आपको यूज कर देख रहे हैं, ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो इस साउंड पे आप वीडियो कैसे बना सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे भी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम चलते हैं इस वीडियो को लाइक कर देते हैं। इसके बाद हम इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, प्रोफाइल आपको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने कितने पोस्ट अपलोड किए हैं, कितने फॉलोवर्स है, कितने का आपने फॉलो किया, यहाँ पर सारा शो कर देगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने आपने फोटो अपलोड किए होंगे सारे के सारे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट का, सिंपल अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा देख सकते हैं डाटा यूज का, सिंपल इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप ऑफ था तो आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। ऑन करने से क्या हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे रील्स पे वीडियो ज़्यादा भी देख सकते थे, आपको डाटा यहाँ पे कम खत्म होगा। तो जैसे कि टिकटॉक पे आप डाटा सेवर इनेबल कर सकते थे, उसी प्रकार यहाँ पे आप रील्स में भी डाटा सेवर इनेबल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, इसके बाद सेकेंड में आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे, वीडियो आपको पसंद आ गया, उस वीडियो को आपने लाइक कर दिए हैं और उस वीडियो को आप सोच रहे हैं हमसे एक से दो घंटे बाद डाउनलोड करें या फिर से मैं उसी वीडियो को देखना चाहता हूं, तो उस वीडियो को आपने लाइक करके रख चुके हैं तो सिंपल यहां पे देख सकते हैं पोस्ट यू भी लाइक का ऑप्शन आ जाता है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी वीडियो या फिर फोटो को मैंने लाइक किया हूँ यहाँ पर आप शो कर दे रहा है। तो इस तरह से आप जिस वीडियो को आपने लाइक किया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं यदि उसी वीडियो के साउंड पर आपको वीडियो शूट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ, इसके बाद सर्च बार पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देख सकते जैसे रील्स पे मैंने क्लिक करता हूँ बहुत सारे वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। तो मान लो कि एक साउंड आपको पसंद आ गया, तो जैसे कि इस साउंड पे मेरे को लग रहा है कि अच्छा साउंड है तो मैं इस साउंड पे मेरे को वीडियो शूट करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे अगर इस साउंड को आपको देख भी सकते, इस साउंड पे आपको तीन वीडियो पोस्ट किया गया है, यहाँ से आप साउंड को प्ले करना चाह रहे थे साउंड को प्ले करके यहाँ से सुन सकते हैं किस प्रकार का साउंड है। इसके बाद सिंपल यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं यूज आइडियो का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। यूज आइडियो पे क्लिक कर दिया हूँ तो कुछ इस तरह के इंटरफेयर देखने को मिल जाते थे। यहाँ पे फ्रंट कैमरा या फिर बैक कैमरा ओपन हो जाता है। यदि बैक कैमरा से शूट करना चाहते हैं तो बैक कैमरा से भी शूट कर सकते हैं, या फ्रंट कैमरा से शूट करना चाह रहे थे फ्रंट कैमरा से भी शूट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट भी देख सकते हैं देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस इफेक्ट को कैसे यूज करना है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो को शूट करना है, इसके बाद सिंपल आपको अपलोड कर देना है जिस प्रकार आप टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करते थे। यदि आप कुछ अपलोड करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो एक वीडियो और मैंने बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, आई बटन में या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ से वीडियो को अपलोड कर देना है। फोर्थ नंबर में यहाँ पे कुछ आपको क्या करना है, जैसे 1 वीक हो गया 2 वीक में आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है, क्योंकि इंस्टाग्राम आपने इंस्टॉल कर रखे है और 2-2 महीने 3-3 महीने आप अपडेट नहीं करते हैं प्ले स्टोर से, तो क्या होगा जो इंस्टाग्राम में न्यू अपडेट आए वो इंस्टाग्राम में दिखेगा नहीं, तो इससे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप 1 वीक 2 वीक में आपको इंस्टाग्राम को आपको अपडेट करते रहना है। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।